A very good morning to all of you, bete. So, bete, so far we have learned how to construct index numbers. There are different methods of constructing index number, simple as well as weighted. Simple index numbers can be constructed in two ways, simple aggregative and simple average of price relatives. Similarly, weighted index number can also be constructed in two ways, weighted aggregative and weighted average of price relatives. Okay. Now we are coming to the types of index numbers. So we have in our syllabus only two types of index numbers. One is consumer index number and another is wholesale price index number. So first of all, coming to the consumer price index numbers, which are also known as cost of living index numbers, और इसको हम शॉर्ट में CPI के नाम से जानते हैं, ठीक है? So consumer price index और cost of living index नाम से ही पता चल रहा है, हमें किसी particular section of consumers की cost of living में changes measure करने हैं, तो we make use of consumer price index number. See, there are different segments in the society. तो wholesale price index अगर हम measure करें, यानी अगर हम wholesale prices का data collect करें, तो हम उसको हर segment के ऊपर apply नहीं कर सकते, क्योंकि जो हर section है society का, उनके जो basket of goods है, is it blurred? Okay, just give me a moment. I will see what's wrong with it. Okay, so whenever we construct or whenever we calculate wholesale price index, wholesale price index को हम हर segment के ऊपर equally apply नहीं कर सकते. हम ये नहीं कर सकते अगर wholesale price index जितना भी आया या से wholesale price index हमें ये बता रहा है कि there has been 40% rise in prices in this year compared to any particular year. स्टूडेंट्स के ऊपर या वर्कर्स के ऊपर या टीचर्स के ऊपर हर एक को सेम नहीं कह सकते कि हाँ जी आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग में 40% चेंज आया है. होलसेल प्राइस इंडेक्स कैन नॉट बी मेड यूज ऑफ टू फाइंड आउट चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू फाइंड आउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, also known as cost of living index. So basically cost of living index are constructed to measure the effect of changes in prices of goods and services on real income. जो एक particular segment of society है जिसका हमें consumer price index measure करना है या cost of living index measure करना है, उसका पर्पस क्या है, क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्या बताता है, क्या मापता है, क्या मेजर करता है. वो ये मेजर करता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो इस ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी परचेज करते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उनके गुड्स एंड उनके प्राइसेस में जब चेंज आता है, तो उसका उन कंज्यूमर्स की रियल इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. रियल इनकम क्या होती है? रियल इनकम इज द परचेजिंग पावर. सी इफ यू आस्क मी मैम व्हाट इज योर इनकम, आई हैव टू वेज टू टेल यू माय इनकम. एक मैं कहती हूं कि मेरी इनकम जो है वो 1 लाख रुपीस पर मंथ है. मेरा दूसरा तरीका आपको बताने का, मैं कहती हूँ मेरी इनकम इतनी है कि मैं इससे लेट अस से 10,000 से या ऐसे करती हूँ कि मैं 10 किलो मैं आटा खरीद सकती हूँ, ठीक है, मैं 100 क्लॉथ्स खरीद सकती हूँ, मैं इतनी फीस दे सकती हूँ, मैं इतना पेट्रोल खरीद सकती हूँ एंड सो ऑन. ठीक है, ये दोनों ही मेरी इनकम है, लेकिन पहले मैंने अपनी इनकम को किस में डिनोट किया, मनी की टर्म्स में डिनोट किया, तो इसको कहते हैं मनी इनकम. फिर मैंने अपनी इनकम को मनी टर्म्स में नहीं, रुपीस में नहीं बताया, मैंने बताया कि मैं अपनी इनकम, मेरी इतनी इनकम है, बस ये खरीद सकती हूँ उससे,
इसका मतलब ये मेरी परचेजिंग पावर है। जो आपकी परचेजिंग पावर होती है उसको कहते हैं रियल इनकम। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज में चेंज आता है तो आपकी रियल इनकम में भी चेंज आता है। तो कितना आपकी रियल इनकम में चेंज आता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, वो कौन मेजर करता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मेजर करता है। सो यू कैन राइट इट डाउन, CPI और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर कंस्ट्रक्टेड टू मेजर द इफेक्ट ऑफ changes in the prices of goods and services on real income। जो goods and services है उसके prices में जो change आ रहा है उसका real income के ऊपर क्या effect पड़ता है, ठीक है, वो calculate करता है consumer index number of people during a given period of time related to base year, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, सो CPI, आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को CPI लिख सकते हैं हर बारी, CPI reflects the effect of increase or decrease of prices on cost of living, on cost of living of different classes of people in a society, ठीक है। आगे लिखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्ट्स CPI फॉर 3 मेजर ग्रुप्स। हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 मेजर ग्रुप्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करती है मंथली बेसिस पर, ठीक है। मंथली बेसिस पर इंडेक्स नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्ट करती है और 3 मेजर ग्रुप्स हैं जिनके लिए कंस्ट्रक्ट करती है। नंबर 1 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसको हम CPIAIW भी कह देते हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, जो हम डियरनेस अलायंस अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, सैलरीड एम्प्लॉयज का अनाउंस करते हैं वो इसके बेसिस पर किया जाता है, CPIAIW। और जो रिटेल इन्फ्लेशन भी मेजर की जाती है वो भी इसके बेसिस पर मेजर की जाती है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी कौन सा है? CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। सेकेंड है बेटे CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। ये आ गए इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये है अनस्किल्ड वर्कर्स, ठीक है, जो कि आप अपने जब स्कूल आते हो तो आप देखते हो साइकिल पे लोग जा रहे हैं इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, ठीक है। उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या चेंज आता है, दैट वी कंस्ट्रक्ट ऑन द बेसिस ऑफ CPIAIW, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सेकेंड कैटेगरी आ गई CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज कौन से हुए? अर्बन लिविंग इन सिटीज, नॉन मैनुअल मेंटल वर्क करते हैं, हाथ वाला काम नहीं करते हैं, लाइक वी पीपल, टीचर्स, क्लर्क्स, बैंक्स। आप में से कितनों के पेरेंट्स जो हैं वो सैलरीड एम्प्लॉयज होंगे,
ठीक है, अर्बन उनके लिए जो इंडेक्स हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या चेंज आया है, ठीक है, लेट अस से 2019 में क्या चेंज आया एज कंपेयर टू 2010, दैट इज कंस्ट्रक्टेड इन दिस, दैट इज टेकन इनटू अकाउंट इन दिस सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, ठीक है। थर्ड कैटेगरी जो हमारी है बेटे, दैट इज सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो रूरल एरियाज में लोग काम करते हैं वो जनरली एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, तो उनके लिए जो सीपीआई कंस्ट्रक्ट किया जाता है यानी उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग में कितना चेंज आया है, दैट इज दैट वी कम टू नो फ्रॉम दिस सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ठीक है। अभी गवर्नमेंट इनका बेस ईयर हमेशा चेंज करती रहती है, जो करंट बेस ईयर चल रहा है दैट इज 2016, रिसेंटली इट हैज बीन चेंज्ड, ठीक है, 2016 जो है वो इनका इंडेक्स नंबर है। अब बात ये आती है कि इनको कौन कंस्ट्रक्ट करता है, बेटे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स और एग्रीकल्चरल लेबर्स का सीबीआई है, सीपीआई है, दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय लेबर ब्यूरो शिमला, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है लेबर ब्यूरो, वो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स और सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स का इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करती है, और अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज के लिए कौन प्रिपेयर करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर लेट अस से किसी भी पर्सन सॉरी किसी भी कैटेगरी, लेट अस से इंडस्ट्रियल वर्कर्स का सीपीआई विद बेस ईयर एस 2016 का CPI बेटे दिखाई दे रहा है इधर से, और डू आई राइट इट ओवर देयर, मैं ऊपर लिख देती हूं ताकि ज्यादा क्लैरिटी हो जाए आपको, सीपीआई की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। लेट अस से सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर विद 2016 एज बेस ईयर, ठीक है, और आया फॉर 2019, इट केम आउट टू बी 125, ठीक है, 125 आया 2019 का इंडस्ट्रियल वर्कर्स का सीपीआई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो बास्केट ऑफ गुड्स, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर को 2016 का बेस ईयर 100 है, ठीक है, 2016 में जो बास्केट ऑफ गुड्स ये लोग 100 रुपए में ले सकते थे, 2019 में उसी बास्केट ऑफ गुड्स को खरीदने के लिए उनको 125 रुपीस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। व्हाट डज कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर द ईयर 2019 with 2016 as base year as 125 it means for the same basket of good which the industrial workers could buy for rupees 100 in the year 2016, now they need to pay rupees 125. It is not necessary they need to buy it, lekin ye unki, it's not about whether they want to buy it or not, it's about their capacity to buy. वो goods जो कि वो 100 रुपए में खरीद सकते थे, आज अगर वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए उनको 125 रुपीस पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब उनकी जो कैपेबिलिटी है सेम इनकम ग्रुप में वो कम हो गई है, यानी इनको 25 रुपए से गवर्नमेंट को कंपनसेट करना पड़ेगा, तभी वो सेम इनकी परचेजिंग पावर जो है तभी सेम रहेगी। Is it clear? Okay, one question I have got. Himanshu, CSO means Central Statistical Organization. I already explained. Again, I'm explaining CSO, Central Statistical
ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है। सो व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर सीपीआई, नंबर वन, क्योंकि जो जनरल प्राइस इंडेक्स है बेटे वो हमें पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है चेंज इन प्राइसेस का वो नहीं बता पाते हैं। दूसरा, जो डिफरेंट क्लास ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो डिफरेंट कमोडिटीज कंज्यूम करते हैं, डिफरेंट प्रपोर्शन में कंज्यूम करते हैं। जैसे जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, मैंने भी आपको एग्जांपल दी, मैंने कहा आप सुबह जब स्कूल में आते हो तो ये साइकिल पे आ रहे होते हैं, है ना। वेयर एज जो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज हैं वो एक्टिवा या कार पे आ रहे होते हैं। इसका मतलब इनकी जो कंजम्पशन है, जो बास्केट ऑफ गुड्स ये कंज्यूम करते हैं, इसमें पेट्रोल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन इसके लिए पेट्रोल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है। इनकी बास्केट ऑफ गुड्स में आप पेट्रोल ना भी डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये पेट्रोल कंज्यूम नहीं करते। वेयर एज इट इज एन इम्पॉर्टेंट यू नो कंपोनेंट, ये काफी हाई प्रपोर्शन में पेट्रोल कंज्यूम करते हैं, तो अगर पेट्रोल के प्राइसेस में चेंज आता है तो इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग में बहुत ज्यादा चेंज आता है। सिमिलरली बाकी फ्यूल की आइटम्स भी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो इनके घर में इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं होती है। गर्मियां हो तो एसी नहीं चलते हैं, सर्दियां हो तो हीटर नहीं चलते हैं। वेयर एज यहाँ पर गर्मियां हो तो एसी कूलर चलते हैं, सर्दियां हो तो हीटर्स चलते हैं, ठीक है। सो इनके लिए फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक ठीक है बच्चे। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स, हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट सीपीआई, लिख लीजिए स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट सीपीआई, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। नंबर वन ऑफ कोर्स इज द सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर क्लास, हमें कौन सी क्लास के लिए इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट स्टेप बिकम्स सिलेक्शन ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नंबर वन, सिलेक्शन ऑफ क्लास ऑफ कंज्यूमर्स, सबसे पहले हमें कौन से सेगमेंट के लिए इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करना है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात बताई कि तीन कैटेगरीज के लिए वो कंस्ट्रक्ट करता है, तो अगर आपको मैं कोई प्रोजेक्ट देती हूँ तो आप भी, हो सकता है मैं आपको स्टूडेंट्स के लिए कह दूं इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करने के लिए, या टीचर्स के लिए कह दूं, या यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए कह दूं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा कि हमें ये सिलेक्ट करना है कि हम कौन सी क्लास ऑफ कंज्यूमर्स के लिए इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करना चाहते हैं। टीचर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, एंड सो ऑन, ठीक है। After selecting it, next step is inquiry about family budget. Inquiry about family budget. Okay, so after we have selected the class of consumer, we need to conduct inquiry about the family budget. ठीक है, हमें ये देखना पड़ेगा जौन सा भी हमने कैटेगरी सिलेक्ट की है लोगों की, से एग्रीकल्चरल लेबरर्स की है, तो वो कौन कौन सी कमोडिटीज कंज्यूम करते हैं, ठीक है। हमें वो देखना पड़ेगा कमोडिटीज कंज्यूम्ड, दूसरा उस कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं, फिर किस प्राइस पे इनको खरीदते हैं, और टोटल ये लोग कितना खर्चा करते हैं, ये इंक्वायरी हमें करनी पड़ेगी। यानी हमें एक डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा रिगार्डिंग देयर फैमिली बजट, डेटा रिलेटिंग टू कमोडिटीज कंज्यूम्ड बाय देम, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय देम, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज, एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है। जनरली बेटे हम क्या करते हैं, जो आइटम्स हैं उनको हम पांच छह कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहला ले लेते हैं फूड, दूसरा ले लेते हैं हम क्लॉथिंग, एडुकेशन, क्योंकि हर कैटेगरी
of people they spend on such general items. Then housing, then fuel and lighting, and last one जो और किसी category में नहीं आता, that is miscellaneous. ठीक है, so इनके ये हमारी food items होगी, फिर quantity consumed आ जाती है. ठीक है, so this is the inquiry about the family budget. Thirdly, we have to collect the information about the prices. हर category of लोग जो goods खरीद रहे हैं उनको कौन से prices पे खरीद रहे हैं, हमें वो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस. देन नेक्स्ट वी हैव टू डिसाइड अबाउट असाइनिंग ऑफ वेट्स. हमने वेट्स कैसे असाइन करने हैं, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ असाइनिंग वेट्स. हो सकता है हम फिक्स्ड वेट दे दें, हो सकता है हमने जिस पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर जितना एक्सपेंडिचर किया है उसको वेट मान के चले. ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अवर ओन, यू नो हमने किस तरह से उसको कलेक्ट करना कंस्ट्रक्ट करना है. देर आपने देख ही लिया, देर आर डिफरेंट वेज ऑफ असाइनिंग वेट, उनमें से हमें कौन सा डिसाइड करना है वो हम डिसाइड कर लेंगे. ठीक है, ये हो गया हमारे स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू कंस्ट्रक्ट सीपीआई. कमिंग टू नेक्स्ट, अब बेटे हर तरीका हमने किया हुआ है, ये अब टाइप्स करने हैं, मेथड्स हमने किए हुए हैं, तो ये वही मेथड्स अब आने हैं. मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो वी जस्ट नीड टू नो हमें कौन सा मेथड यहां पर अप्लाई करना है. सो यू नीड टू राइट इट डाउन, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सीपीआई, मेथड्स of constructing CPI. There are two methods bete. Number one, aggregative expenditure method. Aggregative expenditure method. So here the formula is CPI equals summation P1 Q0 over summation P0 Q0 into 100. Does this sound familiar to any one of you? Familiar lag raha hai kisi ko? Haan ji, kis kya hai lag raha hai ye? It is same as less payers. It is nothing but less payers method. ठीक है, तो इसको हम क्या क्या देते हैं, aggregative expenditure method. ठीक है, दूसरा method जो है that is family budget method. Family budget method. उसका भी formula देख लीजिए, CPI equals summation RW over summation W. Now, does this sound familiar? ये भी किसी को familiar लग रहा है? ये किसके बराबर है? This is same as weighted average of price relatives. Weighted average of price relatives. ठीक है, अब और आगे देखते हैं. अब यहां पे W अगर तो given है तो आप given को लोगे, अगर given नहीं है तो W क्या लेना है, P0 Q0. और R हमारा क्या है, R is P1 over P0 into 100. तो बेटे अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूं, ध्यान से देखो मैंने क्या किया,
आर की जगह मैंने पी वन ओवर पी जीरो इंटू हंड्रेड लिख दिया, डब्ल्यू की जगह मैंने पी जीरो क्यू जीरो लिख दिया और नीचे भी डब्ल्यू की जगह मैंने पी जीरो क्यू जीरो लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो ये पी जीरो डिनोमिनेटर है, इधर इधर ये ऊपर है, ये कट गया। ठीक है, अब ये किसके बराबर आया, सीपीआई इक्वल्स समेशन पी वन क्यू जीरो ओवर समेशन पी जीरो क्यू जीरो। हंड्रेड को मैं बाद में लिख देती हूं, अगेन इट इज सेम एज लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर लो, योर आंसर विल बी सेम। हाँ, लेकिन करने का तरीका दोनों में डिफरेंट है। ये नहीं सोच लेना कि अरे आंसर तो दोनों से सेम आ रहा है तो जौन सा मर्जी यूज करें। आपने कौन सा यूज करना है, अगर फिक्स्ड वेट गिवन है तो फैमिली बजट यूज करना है, अगर फिक्स्ड वेट नहीं गिवन और तो जो क्वेश्चन में अगर एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर एग्जामिनर ने डिमांड किया है तो ये वाला करना है, अगर उसने फैमिली बजट डिमांड किया है तो फिर ये वाला करना है। ठीक है, आप सोचो कि फैमिली बजट से यही आंसर आना है तो सीधा ऐसे ही कर देते हैं, नहीं, आपको पहले आर निकालना पड़ेगा, फिर आपको डब्ल्यू लेना पड़ेगा, फिर आर इंटू डब्ल्यू लेना पड़ेगा, ओनली देन यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। इज इट क्लियर बेटे, यहां तक किसी को कोई डाउट? शैल वी स्टार्ट द क्वेश्चन? आपने नोट डाउन कर ली है? ये नोट डाउन कर लीजिए।